जा रहा, कई तरह सेक्शन जे कैनेडा ने खोलिया। वो अपडेट की सीगा कि जिम्मे तो सारे पता कि जो कोविड सीगा इत्थे कोविड दे विच भी। सत श्री अकाल जी, मैं स्वरण सिंह संधु रैफल्स एडियोसिटी तो। हुण एक नवा पंगा पै गया जी। ये पंगा किन्हां लई आ? जिहड़े विजिटर वीजा ते इधर आ के जिन्हां नूं लगदा कि असीं अपने वर्क परमिट च ट्रांसफर कर लांगे। एक ना साढ़े पंजाबियों की कहावत आ, कहिंदे कमले नूं ना याद ना करायो वी इट ना मारी यार, उहनूं नहीं भी पता ना उहनें तां वी चक के मार देनी आ। इसलिए कमले नूं याद नहीं कराईदा वी इट ना मारी यार। ऐं साडी हालत आ, साडे जिहड़े पंजाब च बैठे जां इंडिया च बैठे कुछ एजेंट ने ना, इन्हां नूं तां याद ना करावे वी आह कम आ गया, मतलब ये आह चीज़ आ गई। इन्हां ने उह कर देनी हुंदी आ और तुहाडा सत्यानाश मार देना हुंदा। जे तुहाडी प्रोफाइल चंगी भली आ, मतलब वधिया तरीके नाल तुसीं कैनेडा च आउणा सी विजिटर टूरिस्ट वीजा ते, और आ के तुसीं वर्क परमिट लै लैणा सीगा, इन्हां ने हत्थी लग्गिया ना, इन्हां ने चंगे भले तुहानूं मिलदे मिलदिआं दा सत्यानाश मार देना इन्हां ने। हुण की होया, कुछ केस आए ने जी साडे कोल इत्थे कैनेडा ऑफिस दे विच। केस की ने? केस ए ने जी के कुछ नूं तां एयरपोर्ट तो मोड़ता ते कुछ नूं इत्थे उन्होंने वार्निंग देती हुई है ना, और उन्होंने दोबारा बुलाया, उन्होंने कुछ टाइम दिता। मैं थोड़ा दसदा होया की आ बेसिकली। सो पिछे जे कैनेडा गवर्नमेंट ने एक नवा अपडेट, वो अपडेट की सीगा कि जिवें तुहानूं सारयां नूं पता कि जदों कोविड सीगा इत्थे, कोविड दे विच बहुत सारे ना लोग इत्थे फस गए सीगे, जिहड़े टूरिस्ट विजिटर वीजा ते इत्थे आए हुए सी इत्थे रह गए। फिर काफ़ी साल जिदा ऑलमोस्ट साल तो भी ज़्यादा ट्रैवल बंद रहा, जिदा है ना तुहानूं पता ही है सारे ने कि कोई आ जा नहीं सकता सी। जे एवें ही कैनेडा गवर्नमेंट ने भी एयरलाइनज ही बंद रही बहुत सारिया, सो एवें कैनेडा गवर्नमेंट ने भी बंद किया होया सीगा अपना कंट्री, से बाहरों कोई आ नहीं सकता सीगा। हुण होया कि कोविड खत्म होया बट लोग आ नहीं रहे और लोगों नूं आउण नहीं दिता जा रहा। कई तरह दी रिस्ट्रिक्शन सीगियां, जे कैनेडा ने खोलियां तां अदर कंट्रीज़ ने नहीं खोलियां, उन्हां दीआं एयरलाइनज नहीं खुलियां। कैनेडा दे विच जदों काम दोबारा शुरू होया तां कामियां दी किल्लत पै गई, क्योंकि सारे लोग जॉब्स तों हट के फटाफट आपो अपने देशां नूं भज गए सीगे, या घरां च बैठ गए सीगे, या कई बीमार हो गए, या कई हजे नहीं ज्वाइन करना चाहुंदे सी। कैनेडा गवर्नमेंट ने की किया उस टाइम ते एक अपडेट दिता, एक ऑफर किया कि जिहड़े लोग कैनेडा दे विच करंट हैगे ने ते आउण वाले 2 साल तक अगर वो विजिटर एंड टूरिस्ट वीजा ते इत्थे आए ने, क्योंकि कामियां दी भारी किल्लत आ, ते तुसीं इह विजिटर एंड टूरिस्ट वीजे नूं अपने नूं वर्क परमिट च ट्रांसफर कर सकदे हो और 2 साल लई, और ये 2 साल खत्म हो जाने सीगे 28 फरवरी 2023 नूं। सो हुण की होया, हुण फिर उही आ, हजे भी कामियां दी बहुत ज़्यादा कमी आ। कैनेडा दे विच बहुत लोग चाहिए ने, बहुत सारिया साडे कोल इत्थे कंपनीज आ रही ने जिन्हां नूं एक्चुअल दे विच इंप्लॉई चाहिए ने, हर तरह के। उन्होंने पलंबर भी चाहिए आ, कुक भी चाहिए आ, शेफ भी चाहिए आ, अकाउंटेंट भी चाहिए, IT प्रोफेशनल्स भी चाहिए आ, CA भी चाहिए, उन्होंने डॉक्टर्स भी चाहिए आ, नर्सिस भी चाहिए आ, हेल्थ केयर वाले भी चाहिए आ, फार्मासिस्ट भी चाहिए आ, बायोटेक्नोलॉजी वाले चाहिए आ, फोरेंसिक साइंस वाले चाहिए आ, उन्होंने एग्रोटेक्नोलॉजी वाले चाहिए आ, एग्रीकल्चर्स वाले चाहिए आ, हर कैटेगरीज के जिहड़े लोगों की इत्थे भारी किल्लत आ, और बहुत सारे जिहड़े लोग ने जिहड़े इत्थे रिक्वायर्ड ने कंपनीज़ नूं, है ना। सो इन्नी ये मद्देनज़र रखते हुए कैनेडा गवर्नमेंट ने फिर एक नवा अपडेट दिता कि हुण अगे नैक्सट 2025 तक, 23 तो लैके 25 तक अगले 2 साल लई, फिर तो जिहड़े भी स्टूडेंट जिहड़े भी विजिटर एंड टूरिस्ट वीज़ा ते उधरों आउणगे किसी भी वर्ल्ड की कंट्री चो आउणगे, जिन्हां नूं इधर चाहिए आ कैनेडा का विजिटर एंड टूरिस्ट वीज़ा, वो इत्थे आके अपने उस वीज़े की कैटागरी नूं वर्क परमिट दे विच शिफ्ट कर सकदे आ। हुण लेटेस्ट की होया कि एक महत्तर बंदा, नाम मैं लै नहीं सकदा ना शहर का ना बंदे का, पंजाब तो आया, उहदी इत्थे पहला किसी एजेंट दे नाल जां इत्थों दे किसी कंसलटेंट नाल ना मोबाइल ते गलबात चल रही सी कि भी ठीक आ तू आ जी, मैं तेरा आ कर दूंगा, मैं इन्ने हज़ार दे विच तैनूं LMIA दे दूंगा, सारी उहदी मोबाइल दे उपर चैट चल रही है, नंबर सेव ने। एयरपोर्ट दे उपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वालिया ने उन्हां दा उह बंदे नूं साइड ते कीता, कोई डाउट होया होणा उहदी बॉडी लैंग्वेज तों डाउट होया, उन्हां नूं कहिंदे कि तूं अपना मोबाइल चैक करा, उहनें मोबाइल चैक करवाया, उहदे मोबाइल दे विच उहदे नाल सारी गलबात होई हुई सीगी, बहुत ही इज्जत दे नाल एयरपोर्ट तों ही वापस भेजिया, ते बैन लग्या कि नहीं लग्या उह मैनूं हुण पता लगूगा अजे, क्योंकि उहनां दे रिश्तेदार मेरे कोल आए सी। सेम एक होर होया, उहदा भी मोबाइल चैक कीता बट उहनूं 1 महीने की इजाजत दित्ती है कि तूं कैनेडा दे विच सिर्फ 1 मंथ रह सकदा, हुण 1 मंथ तों ज़्यादा तुसीं इत्थे नहीं रह सकदे और तुहानूं वापस जाणा पैणा।
सो इस तो इलावा एक होर केस होया जी जिदे ब्रीफ केस खुलवाए गए ने। कैनेडा पहुंचते एयरपोर्ट से ब्रीफ केस खुलवाए गए ने, उहदे विचों उहनां दे सर्टिफिकेट वह जदों अपनी पूरी तैयारी करके आ रहा उहदे कोल एमए का समान उहदे बैग दे विच जिदे तो ये इंटेंशनज जाहिर हुंदियां कि इत्थे परमानेंट रहण लई आया, क्योंकि जिहड़ी टिकट वह वापसी की लैके आया सीगा 10 दिन की, बट जिहड़ा उहदे कोल समान सीगा वह समान एमए का सीगा कि जिवें लगदा सीगा कि इहने महीनिया बद्धी इत्थे रहना। सो ओनू भी एयरपोर्ट तो डिपोर्ट किया गया आ। सो एमए दियां काफ़ी न्यूज़ आ रही सानू मिल रही ने जी, जिहड़े सानू लोग आके दस रहे ने कि एमए हो रहा और एमए होएगा भी आने वाले टाइम दे विच। इस तो इलावा एक होर बहुत खतरनाक जिहड़ा काम हो रहा वह ये हो रहा जी कि इहदे चक्कर दे विच ना पंजाब दे कुछ एजेंट है कि कल्ला पासपोर्ट दे दो असीं तुहानू वीज़ा लवा के दिंदे आ, विजिटर फटाफट निकलो उत्थे जाके अपना वर्क परमिट इहनू ट्रांसफर कर लिओ। किवें होगा 100% नहीं होना, और चंगी भली तुहाडी प्रोफाइल आ 5 साल का बैन भी लगेगा, नाले सिद्धे तुसीं डिपोर्ट भी होवोगे। हुण हो की रहा कि कोई भी डॉक्यूमेंट गलत डॉक्यूमेंट ला के इधर आया जा रहा। सो किसी भी तरह की बहुत सारे एमए दे केसेस साढ़े कोल आए ने कि जिहड़े वर्क परमिट ते बच्चे भेज दिते ने जिन्हों का कोई ना कोई पुलिस केस चलता है, उधर कोई कंप्लायंसेस आ जा कोई ना कोई, चाहे वह छोटा मोटा या एक्सीडेंट का या लड़ाई झगड़े का, बट केस चलता नहीं कोई गल नहीं, विजिटर वीजा लिए तो चाहिए नहीं होंगे, तुम उधर जाके अपना वर्क परमिट अपलाई कर। सो विजिटर वीजा लिए ना PCC चाहिए ना मैडिकल चाहिए, पर जो इधर विजिटर वीजे कन्वर्ट करना है वर्क परमिट के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए आ पंजाब तो, और नाल दी नाल मेडिकल भी चाहिए आ। HIV पॉजिटिव एक साढ़े कोल केस आया बच्चे का कि वह HIV पॉजिटिव आ और उन्होंने एजेंट ने कैनेडा भेजता, ठीक है वर्क परमिट आ गया HIV पॉजिटिव कैनेडा दे विच आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आ। पर हुण प्रॉब्लम कित्थे आऊगी, प्रॉब्लम आऊगी जदों वह मेडिकल करवाऊगा, उहदे तो तां 1,000 रुपये लै ले उधर, ओके तू जा उन्होंने इधर झूठे लारे ला के भेजता। पेशेंट भी ने ना जिहड़े उन्हां नूं भी जिहड़े साढ़े एजेंट ने ना ये नहीं छड्ड रहे, मैनूं समझ नहीं आउंदी जिहड़े तरीके नाल तुसीं पैसा कमा रहे हो। मैं गरंटी दिना थोनू थोड़े च नहीं निकलिया ना, थोड़े बच्चियां च ना निकलिया, मैं कहना तुसीं रब तुहानू सज़ा पर इस जन्म च दवे भावें अगले जन्म च ना दवे, मैं तुहानू दसदा जी अगर तुसीं कैनेडा गवर्नमेंट नाल कुछ फ्रॉड कीता ना इसे ही जन्म दे विच तुहानू सज़ा मिल जानी है। और तुसीं सुन भी रहे हो कदे भी किन्ने किन्ने कौन डिपोर्ट हो रहा ते कौन कौन नहीं डिपोर्ट हो रहा। सो कैनेडा गवर्नमेंट बहुत सख्त आ। एक मैं तुहानू होर गल दसनी चाहुंदा, जिन्ना मर्डर करन दा किसी का कतल करन नू जिन्ना वड्डा इल्जाम मन्या जांदा ना उन्ना ही वड्डा कैनेडा गवर्नमेंट फाइनेंशियल फ्रॉड ते मिसलीड नू मन्नदी आ। मतलब जे तुसी कैनेडा गवर्नमेंट नाल कोई फ्रॉड करदे हो कैनेडा गवर्नमेंट उन्ना ही सीरीयस लैंदी आ जिन्ना एक मर्डर केस नू ये सीरीयस लिया जांदा। सो इसलिए बच के उन्हां एजेंटां तो जिहड़े गलत तरीक्यां नाल तुहाडे डॉक्यूमेंट ला के तुहानू दे रहे ने, विजिटर एंड टूरिस्ट वीजा लैके दे रहे ने, बहुत औखे होवोगे, प्रॉब्लम दे विच आओगे। चंगे भले तुहाडे कई तां पेरेंट्स ने तुहाडे चंगे भले बच्चे पढ़दे ने इधर, उन्होंने वर्क परमिट लै लेना, उन्हां दा PR आ जानी आ, उन्होंने थोनू बुला ही लेना बाय डिफॉल्ट थोनू बुला लेना। पर एक गल याद रखियो ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਬੈਨ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਰੋਡ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਕੇ, ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਏ ਲੋਜ਼ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਆ ਜੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਰਿਸਟਰਸ ਵੀ ਨੇ, RCIC ਨੇ, ਲੋਇਰਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 10-10, 15-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਫਿਸਿਸ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਫਰਲਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ $300 to $500 ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ RCIC ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਫੀਸ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ। ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।